ओके हेलो फ्रेंड, कैसे हो आप सब। मैं ओवीसी और आप देख रहे हैं बाउंड टू इन्वेस्ट यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में हम देखेंगे जो नेक्स्ट वीक है हमारा, उसमें कौन कौन से स्टॉक होंगे हमारे स्विंग ट्रेडिंग के लिए, कौन से बाइंग साइड होंगे, कौन से सेलिंग साइड होंगे, वो सब। तो दोस्तों, अभी तक आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि हम ऐसे ही वीडियो हर रोज हर दिन लेते आते हैं। और जो बाजू में घंटे वाला बटन है उसे जरूर दबा दीजिए, जिसको आपको हमारी नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल जाए। तो इस लिस्ट में जो हमारा पहला स्टॉक है वो है अशोक लेलैंड। अशोक लेलैंड मेरे बाइंग लिस्ट में, अभी ये बाइंग लिस्ट में क्यों है, तो हाल फिलहाल आप देख रहे हो जो 85 का लेवल है वो इसके लिए रेजिस्टेंस की तरह वर्क करा। एक बार इधर रेजिस्टेंस लिया था, एक बार इधर रेजिस्टेंस लिया, और हाल फिलहाल वही है। अगर ये इस लेवल को प्रॉपर ब्रेक करके अब निकल जाता है तब हम इसमें बाइंग करेंगे। इन सिंपल मेरे को वहां एक असेंडिंग ट्रायंगल दिखाई दे रहा है, इसलिए मैं इसको बाइंग साइड लेके जा रहा हूं। अगर प्रॉपर असेंडिंग ट्रायंगल का ब्रेकआउट हो गया तो हम इसमें एंटर होंगे। तो जो हमारा अशोक लेलैंड है वो बाइंग लिस्ट में है, क्यों, क्योंकि नॉर्मल हमें असेंडिंग ट्रायंगल देखने को मिला है। बाद में जो हमारा दूसरा स्टॉक है वो कौन सा है वो देख लेते हैं। जो दूसरा स्टॉक है वो है राडिको खेतान। अभी राडिको खेतान क्यों है, तो राडिको खेतान को आप वन डे के चार्ट के ऊपर देखोगे तो बहुत टाइम से एक कंसोलिडेट कर रहा था। आप देखोगे बहुत टाइम से कंसोलिडेट कर रहा था, तो ये इसकी रेजिस्टेंस लाइन थी। तो इसको ये ब्रेक करके अब वो आ चुका है, वो थी 338 की लाइन। बाद में जो एक बार इसने क्या है कि प्रॉपर तरीके से जो ये ग्रीन कैंडल है उससे क्या है कि इसने ब्रेकआउट दे दिया, बाद में थोड़ा ऊपर जाके नीचे आए और इसी लाइन पे क्या किया इसने सपोर्ट लेके फिर से अपो निकला। अगर आप इसके वन आवर्स के चार्ट पे देखोगे ऑलरेडी आपको आइडिया आ जाएगा। तो अगर आपको इसमें पोजिशन बनानी है तो थोड़ा वेट कर लीजिए, जो ये कैंडल है उसको हाई का प्रॉपर तरीके से हाई का ब्रेकआउट हो गया तो बाद में आप इसमें एंटर हो सकते हो। तो जो हमारा राडिको खेतान है वो बाइंग लिस्ट में है, क्यों, क्योंकि नॉर्मली आपको इसमें एक चैनल का ब्रेकआउट देखने को मिला और एक अच्छी कैंडल के साथ मिला है, इसीलिए हम इसको बाइंग साइड लेके जा रहे हैं। पुल बैक भी इसने दे दिया है, अपनी क्या है कि रेजिस्टेंस लाइन पे ही सपोर्ट लेके ऊपर निकल रहा है। तो अगर ये जो कैंडल मैंने बताई उस पर प्रॉपर हाई ब्रेकआउट हो जाता है तो अब आप इसमें एंटर हो सकते हो। इसके बाद का जो हमारा स्टॉक है वो कौन सा है वो देख लेते हैं। इसके बाद का जो हमारा स्टॉक है वो है टोरेंट फार्मा। अगर आप इसको वन डे या वन वीक पे देखोगे तो आपको इसमें एक इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर भी मिला है। ये देखिए, ये पहला शोल्डर, बाद में ये हेड, बाद में ये दूसरा शोल्डर, अभी ये ब्रेकआउट कर चुका है। या तो आप इसको रेजिस्टेंस का ब्रेकआउट बोल सकते हो या तो इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर का ब्रेकआउट बोल सकते हो। तो दोनों इसमें हुआ है, मेरे को पर्सनली रेजिस्टेंस मानता हूं, क्योंकि इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर में मोस्टली नीचे की साइड लेता हूं, तो मैं ऐसा मानता हूं कि इसका रेजिस्टेंस का प्रॉपर ब्रेकआउट, आप इसकी कैंडल देखिए उसका प्रॉपर ब्रेकआउट हुआ है, तो आप इसको लॉन्ग के लिए लेके जाओ। इन फ्यूचर आपको इसमें कोई अपॉर्चुनिटी मिलती है तो आप इसमें बाइंग कर सकते हो। अगर यह क्या है कि इधर से थोड़ा नीचे आया, पुल बैक दिया इस लाइन के आसपास, फिर भी आप अपनी इसमें बाइंग कर सकते हो। पुल बैक पे भी बाई करते हो, पुल बैक पे सबसे सही रहता है बाई करना, तो वेट करो या तो आप इस कैंडल के हाई पे एंटर हो सकते हो। तो ये था हमारा टोरेंट फार्मा, जिसमें हम बाइंग साइड जाएंगे। बाद में इसके बाद का जो हमारा स्टॉक है वो कौन सा है वो देख लेते। इसके बाद का जो हमारा स्टॉक है वो है बलरामपुर चीनी। अभी बलरामपुर चीनी क्यों, क्यों, क्योंकि इसमें आपको क्या है कि इधर एक हाई ब्रेकआउट देखने को मिला था, बाद में इसने क्या किया कंसोलिडेट कर दिया। अभी ये कंसोलिडेट कर रहा तो उधर मेरे को एक ट्रायंगल जैसा बन रहा है। 195 का ये लेवल है, जो 195 का लेवल है वो अभी ये ब्रेक कर ही नहीं पा रहा है। अगर आप इसको वन आवर्स पे भी देखोगे तो आपको आइडिया आ जाएगा, लेकिन आप वन डे पे भी देख रहे हो तो आपको इसमें एक ट्रायंगल देखने को मिला है। अगर इस ट्रायंगल का प्रॉपर तरीके से ब्रेकआउट मेरे को मिल गया तब मैं इसमें बाइंग साइड जाऊंगा, तो मैं इसमें वेट करूंगा, प्रॉपर ट्रायंगल मेरे को ब्रेकआउट मिलने के बाद ही मैं इसमें बाइंग करूंगा। तो इसके बाद का जो हमारा स्टॉक है वो देख लेते हैं। इसके बाद का जो हमारा स्टॉक है वो है डॉक्टर रेड्डी। डॉक्टर रेड्डी क्यों है वो देख लेते हो। तो डॉक्टर रेड्डी में आप वन डे पे देखोगे तो हाल फिलहाल इसमें भी आपको एक असेंडिंग ट्रायंगल का ब्रेकआउट देखने को मिला है। देखो, ये एक बार इधर आया था नीचे, एक बार इधर थोड़ा सा नीचे, बाद में इसने इसको ब्रेकआउट कर दिया फ्राइडे को। तो इसको भी आप अपनी बाइंग लिस्ट में लेके जा सकते हो। मेरे को पर्सनली ये बहुत अच्छा लग रहा है, क्योंकि आप आगे भी देखोगे तो इधर भी एक बार इधर से नीचे आया था और अभी ये हाई फिलहाल असेंडिंग ट्रायंगल का ब्रेकआउट दे चुका है और अच्छा वॉल्यूम के साथ भी है। मैंने वॉल्यूम भी इसमें देखा तो एक अच्छे वॉल्यूम के साथ भी है, तो आप इसको बाइंग लिस्ट में लेके जा सकते हो। प्रॉपर बाइंग अपॉर्चुनिटी मिलने के बाद इसमें बाइंग कर सकते हो। तो देखो आपको कौन कौन से स्टॉक में, आपको जो भी सिस्टम यूज करो, अगर आप प्राइस एक्शन कर रहे हो यूज तो उसमें तो आपको नॉर्मली आइडिया आ जाएगा, लेकिन जो इंडिकेटर के बेसिस पे स्ट्रेटेजी यूज करते तो उसमें आपको देखो प्रॉपर सिग्नल मिलने के बाद ही कुछ आप एंटर कीजिएगा। तो डॉक्टर रेड्डी हमारे बाइंग लिस्ट में है, क्यों है,
तो इसमें आपको एक असेंडिंग ट्रायंगल का ब्रेकआउट देखने को मिला है। बाद में मैं एक एक्स्ट्रा स्टॉक लेके जा रहा हूँ जो मैंने बाद में ऐड किया था, तो वो है अपोलो हॉस्पिटल। अभी अपोलो हॉस्पिटल की हो तो अपोलो हॉस्पिटल को आप वन डे के टाइम फ्रेम पे देखोगे तो इसमें आपको एक हाई ब्रेकआउट देखने को मिला है। बाद में देखो ये इसका हाई था लास्ट टाइम, उसमें प्रॉपर तरीके से इसने ब्रेकआउट दे दिया, बाद में एक फिर से ग्रीन कैंडल बना दिया। तो हो सके तो थोड़ा वेट कर लीजिए, या तो आप यहाँ से भी बाय कर सकते हो। आप अपना रिस्क देखिए, प्रॉपर स्टॉप लॉस लगाइए और टारगेट भी रखिए, अपने हिसाब से टारगेट रखिए। अगर वो टारगेट क्या है कि वहाँ से रिवर्सल देता है तब आप एग्जिट हो सकते हो, नहीं तो दूसरे टारगेट की ओर जा सकते हो। तो अपोलो हॉस्पिटल नॉर्मली मेरा हाई ब्रेकआउट था, इसीलिए मैं इसको लेके जा रहा हूँ। मेरे को लगता है कि नहीं ये थोड़ा सा आपको अपसाइड देगा, या तो थोड़ा सा डाउन साइड या रिट्रेसमेंट जो हम बोलते हैं वो देने के बाद आपको अपसाइड देखने को मिलती है। तो प्रॉपर अपनी एक स्ट्रेटेजी बनाइए इसमें और बाद में कुछ बाइंग या सेलिंग कीजिए। और दोस्तों मैं पहले ही बता दे रहा हूँ, ये मेरी वॉच लिस्ट है, इसमें से मैं अपना देखूंगा, इसमें से एंटर भी होऊंगा, लेकिन ये वॉच लिस्ट है तो आपको पहले इसमें देखना होगा आपको कौन सा स्टॉक सही लग रहा है, कौन सा आपके माइंड में बैठ रहा है। बाद में अपनी एनालिसिस कीजिए और एनालिसिस में आपको सही लगे तभी आप कोई स्टॉक लेके जा सकते हो। ऐसा नहीं कि मैं बोल रहा हूँ या कोई और बोल रहा है तो आप इसको बाइंग के लिए लेके जा रहे हो। अपनी एनालिसिस कीजिए, अगर आपको सही लग रहा है तब भी आप बाइंग कीजिए और प्रॉपर एसएल के साथ बाइंग कीजिए। तो दोस्तों ये वीडियो आपको कहीं से भी अच्छी लगी हो तो प्लीज यारो लाइक कमेंट एंड सब्सक्राइब कर देना। आप लाइक कमेंट करोगे तभी तो हमें मोटिवेशन मिलेगा और ऐसे वीडियो आगे लेके आएंगे। सो प्लीज यारो लाइक कमेंट एंड सब्सक्राइब कर देना। चलिए मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा गुड बाय, जय हिंद।